हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईएमआई स्टोरी की शुरुआत करें उससे पहले दो तीन बातें। सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच ईएमआई स्टोरीज को इतना प्यार देने के लिए। जब शुरुआत कर रहा था तब थोड़ा सा इतना सा नर्वस था क्योंकि नई शुरुआत थी, पर आपने संभाल लिया, सो उसके लिए शुक्रिया। दूसरी बात, सॉरी इस एंगल के लिए। एक्चुअली आज कुछ ज़्यादा ही गजब का बट हैक्टिक शेड्यूल रहा है मेरा, तो उसकी वजह से मैं अपना जो ट्राईपॉड है वो भूल गया हूँ, तो ऐसे ही एक जो स्टैंड है उसके ऊपर कैमरा ऐसे लगाया है और फिर आपके साथ बात कर रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा का एंगल कैसा भी क्यों ना हो, दिल का एंगल अपना बिल्कुल सही है, तो हाँ सॉरी बट नॉट सॉरी। तीसरी बात, आज की ईएमआई के बारे में, आज की जो ईएमआई स्टोरी है ना, दैट इज़ एक मिनट में इश्क, वो एक इंसान की कमेंट है। अब क्या है कि मुझे मेरे जो वी फैम मेम्बर्स है, दैट इज़ यू, आपकी हर कमेंट बहुत पसंद है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू कमेंट्स जब कोई लड़की कमेंट करती है और इसमें कुछ लड़के आ जाते हो, हे व्हाट्सअप, हाय कैसी हो, व्हाट अ फ्रेंडशिप, वैसी लसन जैसी जो कमेंट्स करते हैं। उसके अलावा हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और मुस्कुराता हूँ। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दैट इज़ ट्रू। अब इन कमेंट्स को पढ़ के मुस्कुराने का क्या कारण? वेल, इसमें आपकी कहानी होती है, इसमें आपने जो मेरे बारे में लिखा होता है उसकी कहानी होती है, इसमें मेरे वीडियो की वजह से आपकी कोई कहानी बनी हो वैसी बात होती है। तो चलिए वैसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, एक ही मिनट में इश्क करवाता हूँ, बस यूं ही। ये जो लिखा है वो ये भाई साहब अनबाउंड फीलिंग्स ने लिखा है, एंड ही इज़ अ वेरी रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑन माई चैनल। मतलब जितने भी लफ्ज़ों के मोती के वीडियोज़ हैं या फिर डियर तुम के वीडियोज़ हैं, उसमें उनकी कॉमेंट को बहुत पसंद किया जाता है, एंड उसमें से मैं भी एक हूँ। और उसी को सराहते हुए ये खत, ये जो कहानी है जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, थैंक यू कहने के लिए। चलिए, ये बात है उस रात की जब हमेशा की तरह सभी कामों से फ्री होकर सोशल मीडिया को अपना समय दे रहा था। सर्फिंग करते करते यूट्यूब पे मेरा जाना हुआ और वहीं किसी वीडियो पे मेरे किए हुए कमेंट में मैंने किसी का रिप्लाई पाया। थोड़ी देर ठहरा, मैंने जवाब दिया और मेरा वापस लौट जाना हुआ। कहाँ सोचा था कि हम फिर से टकराएंगे और इस अजनबी सी दुनिया में शायद हम ही कहीं खो जाएंगे, लेकिन वक्त ने ली करवट और एक बार फिर से हमारा मिलना हुआ, और इस बार कदम हमारे ठहर से गए और ठहर कर एक दूसरे से बतियाना शुरू हुआ। फिर वही हर कहानियों की तरह हाय हेलो से शुरुआत हुई, कैसे हो और कहां से हो इस बात पे हमारी बात गई। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा और इंस्टा पे हमारी मुलाकात अक्सर होने लगी। एक दिन किसी कारण से रहते फोन नंबर हमने एक दूसरे से शेयर किए। उस दिन शायद हमने दोस्ती की ओर कदम बढ़ाया था और पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे को अपना फोन नंबर थमाया था। प्रोग्रेस। फिर अपनी अपनी जिंदगी में हम कहीं व्यस्त होने लगे, जब कभी मिला वक्त तो एक दूसरे के हालचाल एक दूसरे से लेने लगे। फिर एक दिन मौसम ने ली अंगड़ाई और एक अजब सी रात आई। उस रात बातों का सिलसिला कुछ इस रफ्तार से चल पड़ा कि जैसे बरसों से भटके हुए किसी इंसान को आज अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया। दो अनजान लोग जो हाल ही में दोस्त बने थे, वो आज हैरान थे एक दूसरे से बात करने के बाद। असल में आज उनकी एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद ही से मुलाकात हो गई। उन्होंने एक दूसरे में खुद को पा लिया। बट वेट वेट वेट, हाँ जरा ठहरिए, इन्हें इश्क नहीं हुआ है। उन्हें अभी इश्क नहीं हुआ है। उस रात उनको ज्ञात हुआ कि उनकी हर एक परिस्थिति, हर एक लम्हा, हर एक पसंद एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थी। उस रात उन्होंने एक दूसरे में अपने मेल फीमेल वर्जन को जो पा लिया, मिटाकर सारी शर्म हया, एक दूसरे को एक दूसरे का खास बना लिया, और आज भी उन दोनों का साथ बहुत प्यारा है। उन्होंने हर एक लम्हे को साथ एक दूसरे के गुजारा है। पर उसके बाद क्या हुआ है वो भी तो बताओ। चलिए, इस कहानी में आगे क्या होता है वो तो शायद जिंदगी नाम की जो सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन राइटर है वही बताएगी। बट आई रियली होप कि आपको जो मिला है आप उसकी और वो आपकी कदर करें। बस
ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये कहानी द रियल लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई, तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना, या फिर आपकी ऐसी कोई कहानी हो वो बताना मत भूलिएगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कुछ ही लम्हों में नए वीडियो के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खीप मुस्कुराना, बाय बाय.